हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेके, और आज हमारी टीड़ी में से एक बंदा मिसिंग है और वो है मेरा पति। और वो क्योंकि ऑफिस गया हुआ है, आज है तो सैटरडे बट बेचारे को ऑफिस जाना पड़ता है तो क्या करें। तो आज आप लोगों के लिए व्लॉग मैं और मम्मी बनाएंगे। क्यों मम्मी, सही है ना? देखते हैं कैसा बनेगा उसके बिना। अच्छा ही बनेगा उसके बिना, वो परेशानी करता है बिना मतलब के। तो ऐसे तो पूरा दिन मन नहीं लगता। हाँ, आज खैर हमारा मन भी नहीं लगा उसके बिना। तो आज अभी शाम में हम लोग रेडी हो गए हैं दोनों जने, क्योंकि बहुत बोर हो रहे थे तो हमने सोचा यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं, क्योंकि आगे तीज भी आने वाली है और एक दो हमारे फंक्शंस भी हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा शॉपिंग भी कर लेंगे। तो हम पहले चलते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं। और यहाँ के हम जा रहे हैं कौन सा, वो वाला ना हो कभी रोड तक। हाँ, वो ना हो जाए बस। हम लोग कब तक, करवा चौथ पे ना हम लोग पहले चांदनी चौक गए, फिर रोड तक गए, फिर हिसार तो नहीं गए थे, नहीं देखा था ना, और फिर हाँ लाजपत भी गए थे। और फिर आके हमने ड्रेस ली थी बहादुरगढ़ से ही, वो कौन सी कहावत है, पास में छोरा शहर में ढिंडोरा, वो सही हुई थी। हाँ, तो आज हम देखते, इसलिए हमने थोड़ा शुरू किया है आज, है तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और चलते हैं एक बार, हम जा रहे हैं अभी सराय मार्केट, यहाँ पे पास में ही है, 1 किलोमीटर ही है, और हमको जाना पड़ेगा ऑटो से क्योंकि गाड़ी हाँ देखना ही पड़ेगा वहाँ जाके, ये पता नहीं है कहाँ क्या मिलता है। पसीने आ गए, हमने फैन चलाया नहीं था, तो चलो फटाफट चलते हैं एक बार। ये देखो मम्मी यहाँ पे लेने लग गई हैं पेड़, हम लोग नीचे उतरे थे और पेड़ वाला आ गया, और तो मुझे नीचे उतर के ही पता चला ना तो इसने फ़ोन उठाया था। और ये देखो अभी ये भी आ गया है। तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? को पता ही नहीं चला आपका फोन है। और अभी मैं और मम्मी जस्ट निकल गए होते हम लोग मार्केट में जाने के लिए। हाँ, स्कूटी थी, स्कूटी भी लेके गया हुआ था। स्कूटी तो लेके जानी थी ना, पैदल जाते हम लोग। वो शर्म नहीं आती सैटरडे को भी, तू 6-6, 8-8, 7-7 बजे आ रहा है ऑफिस। मैं क्या करूँ यार, जा इसको ऊपर खड़ी कर दे, मार्केट में जाना है। 86-48 था, 14-48 38 किलोमीटर। तू स्कूटी से गया था तभी तो फोन नहीं उठा, उठा पाया मैं। हाँ तो ये देखो ना, मैं 6:05 पे निकला हूँ और मैं 6:35 मिनट से पहुंच गया हूँ। जल्दी कर दे इसको खड़ी, वो ग्लास वाला भी आ गया, मैं उनसे पूछ लूँ शीशा लगवाना है। तो अब हम निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए, और अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे जाएंगे मार्केट। ये देखो आज हम ट्रिपलिंग करेंगे स्कूटी पे, और इतनी सी जगह में मैं आ जाऊंगी क्या तुम्हें लगता है? इतनी तुम गाड़ी क्यों नहीं निकाल रहे मुझे ये बताओ पहले। गाड़ी एक्चुअली हमने ना ये लगा के खड़ी कर रखी है कवर पे, तो इसीलिए हम गाना तो ठीक है। हाँ, हमें रास्ता नहीं पता और मार्केट बहुत पास है, तो फिर हमें उधर ही जाना। हम लोग स्कूटी पे जा रहे हैं, तो 2 मिनट का मैप लगा लूँ पहले। फाइनली हम ट्रिपलिंग करके पहुंच गए हैं हमारी सराय मार्केट। फोन ले जाएगा कोई है सही में? तो ये नहीं है आगे, तो वो देख नाम है एक तंबाकू दीपिका ऐसा करके कुछ नाम है, हमने एक पहलूत से पूछा है। हाँ ये थोड़ी है, तो ये है मार्केट पूरी। अभी हमने ढूंढना है यहाँ पे साड़ी की शॉप्स। तो यहाँ पे ये रहा बर्तन का, आपको को वो लेना था इडली स्टैंड, पूछ लेते हैं आप पहले। ये रहा इधर, तो ये भी है, चलो हमें 2-3 चीजें मिल गई इधर, हम एक्सप्लोर करते हैं एक बार इधर ना। अभी पहली शॉपिंग हो गई है, क्या लिया है जी तूने? मैंने थोड़ी लिया, तूने लिया? एक वो देख लेते हैं बेटा, स्टैंड वॉशिंग मशीन। हाँ वो आज इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो फाइनली हमारा आज का टारगेट, पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में जो सोच के आए थे और वो हमने कंप्लीट कर लिया, अदरवाइज हम कुछ ज्यादा कर लिया। हम लोग सोच के आए थे एक साड़ी लेने के लिए, और हम लोग ने कितनी 5-6 साड़ी ली है, और मैं अपने लिए तो लेने भी नहीं आई थी, एक मैंने भी उठा ली क्योंकि हमें थोड़ा प्राइस रेंज ठीक मिल गई थी और आइटम्स भी अच्छे अच्छे थे, वैरायटी अच्छी थी, क्योंकि इधर साइड ना लोग साड़ियाँ ज़्यादा डालते हैं, तो इस वजह से अच्छी थी। और उन्होंने मुझे ये स्कार्फ भी एक गिफ्ट में दिया मुझे शॉपिंग पे, इतनी अच्छी खासी शॉपिंग बिल बना दिया हमने उनका। तो अभी हम और क्या काम रहता अपना,
अभी हमने वॉशिंग मशीन का एक स्टैंड लेना है, अगर वो हमें मिल गया तो। तुम्हारा भी लेना है क्या कुछ? इस बेचारे का ऐसा ही होता है, इसके लिए कुछ पहुंचना है, इसके लिए कुछ नहीं लिया जाता। और एक पूरा दिन आज ही ऑफिस गया हुआ था ना, और हम ये आया और हम तभी आ गए बाहर। तो फिर चलो एक बार हम देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, क्या लेंगे अभी। ये देखो, हम लोग सिर्फ ये लेने के लिए आए थे जो मम्मी लेके जा रही है अभी, और इसके साथ साथ हमने बस 6 साड़ी, एक ये और एक ये किचन का सामान ये लिया है। ये तो भूल भी गए, और सबसे बड़ी बात तो इसको लेना ही भूल गए थे, सब सामान लेके। बंद हो गई, मतलब मिल जाएगा, इधर लेट तक खुली रहती है। हाँ तो 10 बजे भाई राम, हम लोगों को 2 घंटे हो गए यहाँ पे घूमते हुए, 2 से भी ज्यादा घंटे हो गए हमें यहाँ पे घूमते हुए। तो अभी ऑलमोस्ट हो गया सारा काम, बस एक वो लेना है फ्रिज का, अगर स्टैंड सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन का स्टैंड लेना, वो मिल गया तो। और उसके बाद हमारा सारा आज का टारगेट ओवर अचीव्ड हो जाएगा। फिर फटाफट हम बोले ढूंढते हैं स्टैंड। हाँ सीरियसली, हमारे अकाउंट से तो ना आते ही पैसे डेबिट कर लेने चाहिए, और महीने के 5,000 देने चाहिए खर्चे के लिए बस, तब हम तो हाँ तब हम लोग वो रहेंगे ठीक। हाँ फिर हम क्रेडिट कार्ड भी ले लेंगे, तो मेरे पैसे हो आज मम्मी 5 रुपए कटवाना, ये चीज लेनी है। हाँ बस फिर से हम आ गए हैं ट्रिपलिंग पे, आज तो मजे ही आ गए देखो। तो आज अभी हमारा सारा कंप्लीट होके हम लोग घर वापस जा रहे हैं। काफी दिनों बाद हम ऐसे बिना गाड़ी के शायद मार्केट में आए हैं। गाड़ी कितनी आदत लग जाती है ना आजकल, बट इसके तो मजे ही अलग है। पर मैं तो स्कूटी पर बैठी भी पहले। हाँ मम्मी तो शायद तीनों के साथ 20 स्कूटी पर। तो ये देखो हम तीनों फिर मजे आ रहे हैं, अब आ गए हम। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए यही है कि हम तीनों आ गए हैं। हाँ फोन ध्यान से मेरा, तो अभी हम घर पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं। अच्छा साड़ी तो लेके ही नहीं आए, दिखाएंगे क्या? लेके कुछ नहीं आए, एक बार घर पहुंचते हैं आराम से। एक बार हम आपको ये दिखाते हैं मार्केट, मार्केट ही फूड कोर्ट यहाँ का देखो, ये इधर का फूड कोर्ट है, इतना बड़ा है, इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे, अंदर तक देख रहे हो ना ये पूरा है। और ये हमारे घर से जस्ट शायद 500 मीटर है। अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, और आते सीधा हमने चलाया है एसी, और ये तो बेचारा लेट ही गया, क्या कर सकते हैं। ये ऑफिस में से भी आया था ना सीधा नीचे से, मेरे को पसीना देखो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो बुरी तरह थक गए। बिल्कुल बताओ आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा सराय मार्केट की शॉपिंग का? साड़ी की आपको कलेक्शन कैसी लगी? है ना अच्छी कलेक्शन थी, और प्राइस रेंज भी अच्छी थी। सूट तो नहीं थे, हाँ ये देखे भी हमने कम थे। हाँ वही, और हमने देखा नहीं बाकी, यहाँ तक सुन नहीं आएगा सूट, हमने ज्यादा देखा ही नहीं था। तो बाकी अच्छा है, इधर से साड़ी वगैरह की शॉपिंग अच्छी है, तो हम लोग काफी सारा ले आए हैं, क्योंकि अभी आगे फंक्शन लाइंड अप है हमारे काफी सारे, तो उसमें किसी ना किसी में हमने ये नहीं सोचा कहाँ देंगे, लेकिन अब काम आ जाएंगे वो ले आए हैं उठा के। तो अभी हम करते हैं खाना, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग मार्केट गए और हम कुछ खा के नहीं आए हैं, तो हम पहले बनाते हैं खाना। नहीं थी कि हाँ बस यही था, वैसे पहली बार ही हुआ है, पहली बार हुआ, वैसे पहली बार हुआ है। कोई गोलगप्पे वाला दिखा ही नहीं, गोलगप्पे वाला था ही नहीं कोई, कोई बात नहीं। मार्केट अच्छी है, वहाँ खाने का नहीं, खाने का, इसीलिए हम लोग भी खा के आए। तो अभी हम लोग यहाँ पे नमकीन चावल बनाने का सोच रहे हैं, तो अभी नमकीन चावल बनाते हैं, नहा के आते हैं सबसे पहले, बहुत चिप 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 हो रही है। हम शॉपिंग क्या करके आए वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि साड़ी वहीं पे है, वो सब उसका वो फिनिशिंग करके देंगे, और फॉल वगैरह लगाते हैं वो सब लगा के देंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं हमारे ब्लॉग को, और प्लीज लाइक एंड सब क्या थोड़ा एक दो लाइन बोलनी चाहिए लास्ट में ना। तो अभी हम एक लाइन वो बोल दो ना कि एक लाइन
दो लाइन तीन लाइन ब्लॉग खत्म। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।